कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कई जिलों के कप्तान को सीएम ने फटकार लगाई। चंदौली, ललितपुर, कासगंज के कप्तान को फटकार। बलरामपुर महोबा के कप्तान को सीएम ने फटकार लगाई है। प्रयागराज कमिश्नर से मुख्यमंत्री योगी नाराज। औरैया अंबेडकर नगर के कप्तान को सीएम ने फटकार लगाई है। प्रयागराज के बाद महाराजगंज की भी परफॉर्मेंस खराब। कल सुल्तानपुर में हुई घटना से सीएम योगी नाराज है। हापुड़ लाठीचार्ज मामले पर भी सीएम योगी नाराज हुए। थाने पर महिला इंस्पेक्टर भी पोस्ट की जाए। सीएम योगी ने इस बात का आश्वासन दिया है। अच्छा प्रदर्शन वाले 10 थानों में हरदोई के 5 थाने शामिल है। कोतवाली सिटी हरदोई टॉप 10 थानों में पहले नंबर पर। कोतवाली देहात हरदोई टॉप 10 थानों में तीसरे नंबर पर है। वही हरदोई का शाहबाद थाना, पिहानी थाना टॉप 10 में शामिल है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की समीक्षा बैठक, जिसमें डीजीपी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ खराब परफॉर्मेंस वाले जो थाने हैं उनके अधीक्षकों को फटकार भी लगाई गई। सीएम ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। कई जिलों के कप्तान को सीएम ने फटकार लगाई है। डीजीपी भी इस समीक्षा बैठक में सीएम के साथ मौजूद रहे, और उसमें कई ऐसे जिले हैं जिनके कप्तानों को सीएम ने फटकार लगाई है। कानून व्यवस्था को हमेशा से दुरुस्त रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्पर रहते हैं। ऐसे में हमेशा वो खुद कानून व्यवस्था पर खुद नजर रखते हैं, और उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। थानों के परफॉर्मेंस को लेकर के भी ये समीक्षा बैठक थी। स्टेट हेड वीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से कानून व्यवस्था को लेकर तत्पर रहते हैं, ऐसे में उन्होंने समीक्षा बैठक की है कानून व्यवस्था को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री की समीक्षा करीब 3 घंटे के लगभग चली है जी। और पूरे उत्तर प्रदेश के इसमें थाना अध्यक्ष से लेके एसपी तक और आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी सारे लोग जुड़े थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही कानून व्यवस्था को लेकर। और आज जिस तरह से अपराध को लेकर मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, हापुड़ इन जिलों के एसपी को फटकार लगाई है, और इसके अलावा प्रयागराज, औरैया समेत कई सारे जिलों में मुख्यमंत्री ने नाराजगी प्रकट की है क्राइम कंट्रोल न कर पाने के कारण, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में अफसर जो है क्राइम पर कंट्रोल करने में कुछ जिलों में नाकाम साबित हो रहे हैं। वो बेहतर ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। हत्या, लूट, डकैती और महिलाओं के संबंधी अपराध, पासको के संबंधी अपराध, इनकी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि थानों में अब महिला एसएचओ भी पोस्ट किए जाएं अनिवार्य रूप से, खाली उनको जो है किनारे ना रखा जाए। तो महिला भी अब थाना अध्यक्ष बनाई जाएंगी, और रेलवे में महिला कांस्टेबल के साथ जिस तरह से घटना हुई और जिस तरह से उस महिला कांस्टेबल को मारने की कोशिश की गई, जीवन और मृत्यु से संघर्ष करती रही, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी जताई है रेलवे के अफसरों के प्रति। तो बलरामपुर, महोबा, हापुड़ और प्रयागराज, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर इन जिलों के एसपी से मुख्यमंत्री काफी नाराज दिखे, और इन्होंने इन सब थानों पर जो लोग जमे हैं उनकी समीक्षा करने के साथ एसपी के प्रति नाराजगी जताई है, और इन पर देर सवेर कार्रवाई होगी। जो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 थाने हैं उसमें हरदोई जिले ने सबसे बेस्ट काम किया है, मुख्यमंत्री ने उनकी काफी सराहना की है। तो ये एक निश्चित ही पुलिस में दोनों तरह के पक्षों का आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से यूपी में इस समय अपराध बढ़े हैं, कई जिलों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां पर अब एसपीओ के खिलाफ देर सवेर कोई बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री कर सकते हैं, आज की समीक्षा बैठक में इसको लेकर काफी वो नाराज थे जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी।